मैं डॉक्टर वीरेंद्र मुड़ान, गुरु आयुर्वेद फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। आज मैं बालों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपके बाल जल्दी ही झड़ने लगते हैं या गंजापन पैदा शुरू हो गया है या आपके बाल जल्दी ही सफ़ेद हो रहे हैं तो आप एक उपाय कर सकते हैं। वैसे बालों के झड़ने के काफ़ी उपाय हैं जो आम जनता में प्रचलित हैं, लेकिन एक मैं आज एक छोटा सा फार्मूला बताऊंगा जिसके करने से आपके बाल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। उन चीज़ों में हैं आंवला, शिकाकाई, रीठा, मेथी, कलौंजी और भृंगराज, नीम के पत्ते, आम के मोर, एलोवेरा का गुद्दा और अमर बेल। ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर लें। इनमें आंवला 100 ग्राम, शिकाकाई 100 ग्राम और रीठा 100 ग्राम, मेथी के बीज 10 ग्राम, कलौंजी 10 ग्राम ले लें और आम के मोर, अगर किसी को नहीं पता, आम के फल आने से पहले फूलों के गुच्छे होते हैं उनको आम के मोर कहा जाता है, उनको 50 ग्राम ले लें और भृंगराज पाउडर 100 ग्राम, नीम के पत्ते 30 ग्राम। इस प्रकार से इनको लेकर के आप इनका पाउडर बना लें, मोटा मोटा सा पाउडर, जौकूट बोलते हैं हम आयुर्वेद में, और इसको एलोवेरा का गुद्दा 50 ग्राम, प्याज का रस 50 ग्राम, उसमें मिला करके इसको पिस्टी सी बना लें और अमर बेल जो झाड़ियों पर चढ़ी होती है जिसको लोग देहात में काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत रोगों में यूज़ करते हैं, वो 100 ग्राम ले लें, उसका भी पेस्ट बना लें और इनको 1 किलो नारियल के तेल में डाल करके धीरे 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 पका लें। उसको इतना पकाएं कि प्याज का रस, नीम की पत्ती का रस और जो भी इसमें लिक्विड है वो सूख जाए, केवल नारियल का तेल रहे। उसको फिर उसमें ही पड़ा रहने दें, कुछ टाइम के बाद उसको छान करके आप बोतल में भर लें। इसके प्रयोग करने से आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, गंजापन धीरे धीरे दूर होने लगेगा और आपके बाल सफ़ेद होने रुक जाएंगे। आप एक बार इसको करके देखें तभी आपको आयुर्वेद पर विश्वास होगा। धन्यवाद।